मॉडल. नाउ इन इनडायरेक्ट लेक्चर वी स्टार्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. राइट डाउन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इसमें लिखना. फर्स्ट वन, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. The stability of an atom. This theory could not explain the stability of an atom. According to Maxwell, oh Maxwell nahi jo cricket khelta hai. According to Maxwell, electron lose its energy continuously in the form of electromagnetic radiation. In the form of electromagnetic radiation, EMR, electromagnetic radiation. As the result of this, the electron should lose energy at every turn. And move closer and closer to the nucleus, following a spiral path. The ultimate result. Will be that. It will fall into the nucleus, thereby making the atom unstable. ये लिख लो. फिर अगला एक पॉइंट और है, वो हम लिखते हैं.
तो क्या बोल रहा है थ्योरी में, ड्रॉबैक में क्या है, दिस थ्योरी could not explain the stability of an atom. ध्यान से सुनो, पहले तब लिखना, पहले ध्यान से सुनो उसके बाद राइटिंग करना. रदरफोर्ड ने का ड्रॉबैक क्या है, तो जब रदरफोर्ड ने सब बारे बात बताया था, उस समय एक फिजिक्स में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मैक्सवेल ने बोला था उस समय, ध्यान से सुनना, मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर चलता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, तो वो अपना एनर्जी लूज करेगा और उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ एनी चार्ज पार्टिकल विल मूव विथ एनी स्पीड, यहां तक कि हम भी जब चलते हैं तो वेव बनाते हैं, हालांकि हम चार्ज पार्टिकल नहीं है, फिर भी अगर हम चलेंगे तो हम चार्ज वेव बनाते हैं. तो मैक्सवेल ने बोला था एनी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इफ मूव विथ एनी स्पीड देन इट क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स एनर्जी विल बी रिड्यूस डिक्रीज टाइम टू टाइम. ठीक है, अब इस थ्योरी को जोड़ के देखा गया किससे, रदरफोर्ड के थ्योरी से. मैक्सवेल का जो थ्योरी था, इस थ्योरी को किसके साथ देखा गया, रदरफोर्ड के साथ. रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस और वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे. ये तो बात मैक्स रदरफोर्ड ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस. लेकिन उसी समय साइंटिस्ट जो था मैक्सवेल, उसका स्टेटमेंट था कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल विल ट्रेवल विथ एनी स्पीड देन इट क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट एनर्जी विल बी डिक्रीज लूज कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम. तो दोनों के बात में कुछ मिल नहीं रहा था, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स जब अपने पाथ पे घूम रहा था तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वो घूमते 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 अपने गिर जाना चाहिए था. तो इसके बातों में और इसके बातों में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया. कैसे, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम. हम लास्ट में समझ में आएगा स्टेबिलिटी क्या हो रहा है. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, यानी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो उसका एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये मान जो कि वो एक रेडिएशन जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करता है. तो ये थ्योरी मैक्सवेल ने दिया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल चलेगा तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा और उसका एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा. इस थ्योरी को रदरफोर्ड के द्वारा कॉन्ट्रडिक्ट हो गया. कैसे, As the result of this, the electron should lose energy at every turn and move closer and closer to nucleus. यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, following a spiral path, and ultimate result will be that it will fall into the nucleus. और घूमते 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 जब इसका एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियस में इसको गिर जाना चाहिए. Therefore they are unstable. तो लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन्स मैक्सवेल के अकॉर्डिंग घूमते 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 न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और तुम बोल रहे हो क्या कि कंटिन्यूस घूमते रहता है, तो बताओ न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा है. इस चीज का आंसर मैक्सवेल नहीं दे पाया, रदरफोर्ड नहीं दे पाया. क्या नहीं दे पाया, उसने बोला कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहेगा.
लेकिन मैक्सवेल बोला कि कोई चीज अगर पार्टिकल्स घूमेगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा, और लॉस होते होते एक समय ऐसा आएगा कि उसका एनर्जी जीरो हो जाएगा और उसको गिर जाना चाहिए। तो ये मैक्सवेल का थ्योरी के अकॉर्डिंग है, गिर जाना चाहिए, लेकिन ये बोला कंटिन्यूअस घूमता रहेगा। तो क्यों नहीं गिर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पा रहा था, इसका एक्सप्लेनेशन बोर देगा। तो इसमें यही इसका ड्रॉबैक है, ठीक है।